आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। बच्चों पिछली क्लास में एक वीडियो लेक्चर आपको भेजा था हम लोगों ने, एमईएस स्टार्ट किया है और एमईएस को हमने कहा था एक बार पूरा लेक्चर आपको भेजा, आपने किया होगा। हम 5 मिनट में उस लेक्चर को क्विक रिवीजन करते हैं उसका, जो आपको पीडीएफ शीट भेजी थी सर। बोलिए सर, मतलब माइक का आवाज थोड़ा लो आ रहा है। तो लो थोड़ा सुनो ना, वरना साउंड पोल्यूशन होता ज्यादा आवाज से। नो सर, सर सही आ रहा है, ऐसे कान खराब हो जाएगा। सही आ रहा है सर। तो अभी जो है हम लोग जो पिछली क्लास में जो पीडीएफ फाइल भेजी थी उसके लिए शेयर करके 5 मिनट में उसका क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए। देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दिख रहा होगा सबको। ठीक है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग इसमें मेनली होता अमोनिया, उसके डेरिवेटिव। अमोनिया से डेरिवेटिव कैसे बनते हैं आप जानते हैं, अमोनिया से क्या बनते हैं, अमीन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग में साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी बनते हैं, नाइट्रो कंपाउंड और नाइट्राइड भी बनते हैं, नाइट्रोबेंजीन भी होता है और एनिलीन। ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, बट हमारा सारा फोकस चैप्टर में अमीन्स पे होगा, इस पे। राइट अच्छा, अमीन्स में अमीन कितने टाइप के होते हैं, तो बोला था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। 3 टाइप के अमीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्या होते हैं आप जानते हैं, अमोनिया से एच हटाते जाओ अमीन बनता जाएगा। अमोनिया से एक एच हटाया, दो एच हटाया, तीन एच हटाया, है ना। अगर सारे अल्काइल ग्रुप सेम लगाए तो सिंपल, और अगर डिफरेंट है ना, मिक्स्ड अमीन, सेकेंडरी अमीन सिंपल, मिक्स्ड टर्शरी अमीन। तीनों ग्रुप सिंपल हैं, तीनों ग्रुप सेम है तो सिंपल, नहीं तो मिक्स्ड। इसी प्रकार आप जीएमपी में चलते हैं, सबसे पहले आई गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलीमाइड बोलते किसको हैं, तो क्या पहले देखो, बेंजीन में 2 COH अगर अगल बगल होते हैं या मेटा पे होते हैं, पैरा भी सब थैलिक एसिड, लेकिन नाम क्या है, अगल बगल है तो सिंपल थैलिक एसिड, उसको खाली थैलिक एसिड बोलेंगे, और मेटा पे है तो आइसोथैलिक एसिड, पैरा पे है तो टेरिथैलिक एसिड, है ना। अच्छा, ये जो ऑर्थो वाला होता ना, इसमें हीट कर दोगे किसको, तो ये ऐसा, सॉरी, ये हीट कर दोगे तो इसमें एनहाइड्राइड बना लेगा, एनहाइड्राइड। और अगर यहाँ पे यहाँ से OH हटा के वहाँ पे NH लगा दो, तो ये थैलिक एसिड का अमाइड बन जाएगा, थैलीमाइड बोलेंगे, थैलीमाइड। और गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में यही एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, इसलिए इसको गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम, और थैलीमाइड जो है वो रिएक्शन है, सॉरी थैलीमाइड ये कंपाउंड है, इसलिए गैब्रियल थैलीमाइड बोलते हैं। होता क्या है, इसके पास ये एच एसिडिक है, बेस से रिएक्शन करोगे हट जाएगा, देखो हुआ क्या, देखो इधर यहाँ ध्यान दो, पहले आप बेस से रिएक्शन करते हो, ये हटाएगा, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पर रिएक्ट करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, इसको हटाओगे ये अटैक कर देगा, ये एन अल्काइल थैलीमाइड बन गया। और एन अल्काइल थैलीमाइड को अगर हाइड्रोलाइज करोगे एसिडिक मीडियम में, तो पानी का एच इधर, OH इधर, एच इधर, OH इधर, ये अमीन बन जाएगा, इधर ये एसिड निकल जाएगी। देखिए गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो गई। 3 स्टेप है, बेस से रिएक्शन, अल्काइलाइड से, और हाइड्रोलिसिस। GMP2 ये आपको पढ़ाया था मैंने बहुत पहले ही, अल्काइलाइड में पढ़ा था और अल्कोहल में भी, कि अमोनिया की रिएक्शन अल्कोहलाइड से होती है तो HX निकलता रहेगा हर स्टेप में, पहले प्राइमरी अमीन बनेगा, और अगर अल्कोहलाइड एक्सेस में होगा तो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी अमीन हैलाइड तक जाएगा। और अगर कहीं अल्कोहल से हो गई तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, वाटर निकलेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा, अगर अल्कोहल एक्सेस में है तो सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन और क्वार्टरनरी अमीन हाइड्रोक्साइड तक जाएगा। क्वार्टरनरी अमीन हैलाइड से हाइड्रोक्साइड ऐसे बना सकते हैं सीधे एक्वस एनायोन से रिएक्शन करके, ये आपको भेजा था पिछले वीडियो में। फिर बोलते हैं रिडक्शन करके भी हम अमीन बना सकते हैं, जैसे साइनाइड का रिडक्शन करो, रिडक्शन मतलब होता है पाई बॉन्ड सब हटके, वहाँ पे यहाँ सारे पाई बॉन्ड हटा दोगे, वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तो प्राइमरी, सॉरी, साइनाइड और आइसोसाइनाइड से भी अमीन बनता है, लेकिन साइनाइड से बनता है प्राइमरी अमीन, और आइसोसाइनाइड में हाइड्रोजन जोड़ोगे ना, तो बताऊँ पाई बॉन्ड हटाओगे हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ आएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ बॉन्ड बना रहेगा नहीं, यहाँ पे बनेगा क्या, 2 डिग्री अमीन, साइनाइड से प्राइमरी अमीन, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, सेकेंडरी अमीन, लेकिन एक साइड मिथाइल ग्रुप रहेगा तो मिथाइल अमीन, सेकेंडरी अमीन में भी मिथाइल अमीन बनेगा। नाइट्रो कंपाउंड RNO2 को रिड्यूस करोगे RNH2 बनेगा। रिएजेंट इन सब में क्या होगा, आखिरी में लिखाया था, अमाइड में को, अमाइड को रिड्यूस करोगे, अमाइड या उसके डेरिवेटिव, तो अमीन बनेंगे, अजाइड को रिड्यूस करोगे तो अमीन बनेंगे, ऑक्सिम, ऑक्सिम को रिड्यूस करोगे तो अमीन बनेंगे, और रिएजेंट क्या होंगे, तो लिखाए थे रिएजेंट, ठीक है ना, बोला था हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, प्लैटिनम पार्ट 1 में क्या था, हाइड्रोजन प्लैटिनम सबको यूज कर सकते हैं अमाइड को छोड़ के, है ना,
सोडियम एल्कोहल साइनाइड आइसोनेट सिर्फ ऑक्सिम के लिए यूज होता है, LiLH4 सभी के लिए यूज होता है, सबको रिड्यूस कर देगा, ये रिएजेंट ले सकते हैं सब में। GMP4 में क्या था, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें बच्चों अमाइड को अगर रिड्यूस करते हैं तो अमीन बनता है, बीच का CO निकल जाता है, इसको वो स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बन कम हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, कोई भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, कोई कोई कार्बोकैटायन सॉरी वो नहीं होता, हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट नहीं होता। Br2 एक मोल और KOH चार मोल यूज होते हैं पूरी मैकेनिज्म में। एक बार क्वेश्चन आया था IIT में कितने मोल यूज होते हैं, लिथियम एल्युमिनियम H4 सर सब में यूज कर सकते हैं सर। हाँ यहाँ पे ये इन सभी में साइनाइड आइसोसाइनाइड ये जो लिखे हैं A B 3A 3B 3C 3D 3 इन पांचों में यूज कर सकते हैं, इन पांचों के लिए रिएजेंट ठीक है। हाँ जी हाफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, ये CO निकल जाएगा, ये CO निकलेगा और यहाँ खाली RnS2 रह जाएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, प्राइमरी मीन बनता है इससे मैकेनिज्म। अच्छा इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाई थी, माइग्रेशन स्टेप इज द RDS, अच्छा इट इज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, हेंस रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय अमाइड, ये इसके डेरिवेटिव हो, ये रिएक्शन नहीं देते, मतलब आप यहाँ से NH2 से H हटा के R लगा दो या दो R लगा दो, ये रिएक्शन नहीं देंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन, इसकी मैकेनिज्म शायद की शायद फोटो मैं खींचना भूल गया, ओके वो तो आपने वीडियो में देखा होगा। बाकी क्वेश्चन हैं इसके कि आर कॉन्फ़िगरेशन पहले भी है तो आर ही रहेगा क्योंकि सिर्फ सीओ निकल के NH2 वहीं जुड़ जाए, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चन हमने किए थे इस पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डी, बस यहीं पे क्लास स्टॉप हुई थी क्या, एक तो और क्वेश्चन कराए थे सर पता शायद फोटो नहीं खींचा होगा गड़बड़ी इसीलिए हो गए। चलो ठीक है एक क्विक रिवीजन देना था हमको, एंजाइम के साथ ड्यूटेरियम और ट्रिटियम लगा था। अच्छा वो वाला, हां एक क्वेश्चन और कराए थे याद है, ठीक फोटो नहीं खींचा। फोर मोल्स के वेज कैसे यूज हुआ था समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म की फोटो मैंने नहीं खींची है, और फिर वो मैकेनिज्म में चार मोल प्रॉपर दिख रहे होंगे यूज हो रहे हैं, पांच मोल यूज होते हैं एक वापस बन जाता, तो इफेक्टिवली चार ही मोल यूज होते हैं। मैकेनिज्म रेफर करो ना वीडियो में, स्क्रीनशॉट लेके देखना, उसका कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस कर देंगे ठीक है। यस सर, चलिए ये तो क्विक रिवीजन दिया क्योंकि आप लोगों को वीडियो दिया, तो एक बार रिव्यू करा दें फटाफट और इसके आगे फिर स्टार्ट करें। आज हम लोग मैकेनिज्म पूरा, आज हम इसका जीएमपी पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एक चैप्टर करेंगे एमएस चौहान से, उसका नाम है कार्बिन और नाइट्रीन ठीक है। लेकिन कार्बिन नाइट्रीन करने के लिए हमें एक छोटा सा इनपुट और लगेगा, राइमर टीमर रिएक्शन इन आरटीआर और कार्बिलिमिन रिएक्शन। तो मैंने आपसे कहा था शायद वीडियो में बोला होगा कि आरटीआर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और कार्बिलिमिन रिएक्शन को रिवाइज कर लीजिएगा, किसको, इसको आरटीआर और कार्बिलिमिन रिएक्शन ठीक है, दोनों को रिवाइज करना था एक बार। सर ओटीपी दे दिए क्या, ओटीपी दे नहीं दिए, ओटीपी लिख देते हैं, रुको जरा जनरेट कर लिए, पहले ही लिख दो बाद में जनरेट नहीं रहेगा, बीच में किसी का डिस्कनेक्ट हो जाएगा बाद में वीडियो देखते, लेकिन ओटीपी नहीं मिलता। ए बैच के लिए 9552 लिख लीजिए कॉपी में, ए बैच 9552 और टी बैच 4453, टी बैच 4453 ये ओटीपी है, नोट कर लें। रेमन टीमन रिएक्शन हुआ क्या, हुआ रेमन टीमन, रेमन टीमन रिएक्शन, और सर दूसरा कौन सा रिएक्शन सर, कार्बिलिमिन रिएक्शन, दो कार्बिलिमिन रिएक्शन, कार्बिलिमिन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में बताई थी, अल्का हैलाइड में क्लोरोफॉर्म जो पढ़ा रहे तब, और इवन आरटीआर, ये आरटीआर भी वही बताई थी, ये दोनों रिएक्शन बताई थी हमने क्लोरोफॉर्म चैप्टर में, अल्का हैलाइड का जो ट्राई हैलाइड वाला पार्ट था उसमें, दोनों हैं इंपॉर्टेंट है, वो दोनों पढ़ लीजिएगा तब, और आज के जो पढ़ाएंगे वो मतलब अमीन के दो लेक्चर, पिछला लेक्चर आज लेक्चर, और वो दोनों रिएक्शन मिला करके आप एक चैप्टर करेंगे एमएस चौहान का, कार्बिन एंड नाइट्रीन का एक चैप्टर है, उसमें वो क्वेश्चंस में कार्बिन इंटरमीडिएट होता है और नाइट्रीन इंटरमीडिएट होता है ठीक है। तो दो रिएक्शन पहले करा दी थी, दो रिएक्शन पहले भी करा दी थी और अभी बाकी तो लास्ट क्लास में कराया, बाकी रिमेनिंग आज करा देंगे, आज के प्रिपरेशन पूरे हो जाएंगे, छोटा चैप्टर है, इस मंडे को यही चैप्टर टेस्ट में अभी आएगा पूरा, संडे तक खत्म होगा, मंडे को टेस्ट में इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज करो। और मैंने क्या, इसमें खाली ये नहीं खत्म होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी साथ नहीं खत्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी साथ नहीं खत्म होगा, बस प्रैक्टिस आज इस हफ्ते नहीं करा पाएंगे, खत्म हो जाएगा वो संडे तक वो भी ठीक है, प्रैक्टिस अगले हफ्ते होगा उसका, एक क्लास प्रैक्टिस में चाहिए इसलिए टेस्ट में नहीं दे रहे उसको। चलिए बच्चों अभी हम लोग चल रहे हैं जीएमपी, कौन सा बच्चों, फाइव है ना जीएमपी, हॉफमैन
एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों ये हमने आपको इवन सीबी में कराई थी, रिफर इवन सीबी, डिटेल कराई थी इवन सीबी। यहां हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, इवन सीबी की जो मैकेनिज्म बताई थी, रिएक्शन बताई थी, ठीक है ना। क्या था इसमें कि जब नाइट क्वार्टनरी मोनो हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ चार ग्रुप लगे हैं, मिथाइल CH2 CH3 ये तीन कार्बन ग्रुप है, यहाँ चार कार्बन ग्रुप लगा दिया। क्वार्टनरी मोनो हाइड्रोक्साइड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, प्लस ये माइनस को हीट कर दो केवल। क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों है एक बेस है, इसको हीट कर दो। तो याद करिए इवन सीबी में बोलते थे इन चार में से, एक्चुअली इसका मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म बोलते थे कि जो हीट करने पे ना बीटा एच निकलेगा, जैसे यहाँ तो बीटा ही नहीं, छोड़ दो, यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, एच निकलेगा और कार्बेनाइन बनेगा। तो कहते थे कार्बेनाइन सबसे स्टेबल कहाँ बनेगा, अरे यहाँ कार्बेनाइन बनेगा 2 डिग्री, यहाँ कार्बेनाइन बनेगा 2 डिग्री, यहाँ तो बनेगा ही नहीं, यहाँ कार्बेनाइन बनेगा 1 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता कार्बेनाइन में। इवन सीबी में था कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यहाँ जो बेस आपने लिया ही पहले बीटा एच को हटाएगा, ये OH- बेस को रिप्रेजेंट करता है, बीटा एच हटेगा कार्बेनाइन बनेगा, और कार्बेनाइन 1 डिग्री बनाना पसंद करेंगे, 2 डिग्री नहीं बनाएंगे, 2 डिग्री स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ कार्बेनाइन बनेगा, फिर ये ऐसे अटैक करके इसको निकाल देगा बाहर। तो पूरी मैकेनिज्म आपको हम बताई थी, इसको बाहर निकाल देगा ऐसा हो जाएगा, तीन कार्बन यहाँ जुड़े रहेंगे, एक कार्बन और यहाँ पे चार कार्बन और यहाँ पे CH2 ध्यान दीजिए, पहले यहाँ कार्बेनाइन बनेगा और फिर इंटरनल अटैक करके इसको निकाल देगा, जैसे बॉन्ड तोड़ देगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट, एल्कीन बन जाएगा। इसको हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें ये जो एल्कीन बनती है, लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनती है एज पर हॉफमैन रूल, लीस्ट स्टेबल एल्कीन एज पर हॉफमैन रूल। बच्चों अगर आपको रेफर करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये हम लोग कर चुके हैं बहुत डिटेल में, याद करिए ऐसा ऐसा, बस बहुत सारे क्वेश्चन। और एक और चीज वहां लिखाई थी, अगर मान लो चारों ग्रुप मिथाइल हुए, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो एल्कीन बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। हां अल्कोहल बनेगा, मतलब ये रिएक्शन आपको याद आ रही है, ये रिएक्शन कर चुके हैं, इसी ने मैंने लिख दिया, रेफर इवन सी फॉर डिटेल, है ना। और यहां पे हम यहां इस चैप्टर में क्यों बता रहे हैं, यहां टर्शियरी मीन बन रही है, टर्शियरी मीन बन जाती है, अमीन का जीएमपी इसलिए कि यहां टर्शियरी मीन बन के आता है, ये देखिए अमीन बनी टर्शियरी, इसको अमीन में भी पढ़ाया मैंने क्योंकि अमीन बन रही है, इसको एल्कीन में भी पढ़ाया क्योंकि एल्कीन बन रही थी, यहां रिकॉल कर रहे वहां पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट, अरे आराम से लिखो, हो गया चलिए। ये हो गया GMP 5, इससे वैसे रिएक्शन को याद करिए, इवन सीबी पढ़ाने में बहुत समय लगा था, पूरा एक क्लास गया था, लेकिन यहाँ पे फटाफट कर दिया क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, तो रेफरेंस आपने लिया और फटाफट हो गया, ठीक है। या जिन्होंने रेफरेंस नहीं लिया वो ले लेंगे एक बार, इवन सीबी क्या होता है इसको समझ में आ जाएगा। और अगर एल्कीन नहीं बन सकता यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 चलिए तो बच्चों अगला जीएमपी लिखते हैं, जीएमपी 6। टोटल 10 जीएमपी हैं इसमें, लेकिन कई छोटे छोटे हैं, बीच कई जीएमपी छोटे छोटे हैं। जीएमपी 6, ये फोटो नहीं खींचा, देखा गड़बड़ी कर दी, अब फिर से फोटो खींचना। हाँ जीएमपी 6 लिखिए, by heating
अल्फा अमीनो एसिड विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये स्पेसिफिक है, एक डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप है, एक तरीके से एक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जैसे सोडा लाइम के संग उसी टाइप का रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कैसे डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ऐसे देखिए ये बच्चों, पहले देखो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ऐसे आर सी 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 ऐसा, यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसमें इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये रहा, और अल्फा कार्बन पे अगर एन एस टू लग गया, ये इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। हमें ऐसे सारे एसिड लेने हैं अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है ना, अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा दिया, और कहते हैं रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है कि अल्फा अमीनो एसिड को अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के संग हीट कर दें तो बच्चों 1 डिग्री अमीन बन जाएगा प्राइमरी अमीन, और CO2 गैस निकल जाएगी। हालांकि CO2 एसिडिक गैस है, ये एसिड इस बेस के संग रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म में चली जाएगी। होगा क्या, देखो जरा, R CH CO OH अल्फा कार्बन ये रहा, यहाँ पे NH2 लगा, ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया, कोई भी अल्फा अमीनो एसिड। बच्चों जैसे ही इसको हीट करोगे ना, ये CO2 गैस निकल जाएगी यहाँ से, बेरियम हाइड्रोक्साइड हीट करोगे तो CO2 ये H यहाँ लग जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी और बनेगा RNH2, R CH और NH2 तो है इधर, बाकी यही वाला H जो है ना, ये वाला H, यही H यहाँ लग जाएगा तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक एसिडिक गैस होती है बच्चों, ये एसिडिक गैस है, साथ में बेस है, कौन सा बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों ये बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके बेरियम कार्बोनेट बना देगी BaCO3, ये तो यहाँ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट लिखेंगे बेरियम कार्बोनेट BaCO3 प्लस H2O, क्योंकि ये देखो ना ये एसिडिक गैस है, ये बेस है, एसिडिक गैस और बेस रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाएंगे, साथ में पानी बनाएंगे। नाउ नोट नंबर वन ऑफ दिस रिएक्शन, नोट नंबर वन, मैं इसका फोटो खींच लूं, फिर नोट नंबर वन और टू लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसकी मैकेनिज्म और इस पर कुछ और चीजें, मैकेनिज्म बाद में, पहले मैकेनिज्म देखते हैं होता कैसे। मैकेनिज्म एक लाइन की है, बहुत डिटेल नहीं है, देखिए नोट नंबर वन मैकेनिज्म, देखो बच्चों ये आर सी एच एन एच टू COOH, ऐसा कहते हैं जो बेस लोगे, बेस बेस क्या करेगा, यहां से एसिडिक एच को हटाएगा पहले, ये H+ आयन निकलेगा तो पहले वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा ऐसा कुछ बन जाएगा R CH NH2 COO- और ये COO- क्या करेगा, ये यहां ऐसे अटैक करेगा और ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां अटैक करेगा, ऐसा कि ऐसा ही एक स्टेप हुआ था उसमें ऑक्सीजन ब्रोमाइड के बीच में, इंटरमीडिएट स्टेप था उसमें, ये ऐसे जाएगा तो CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी नहीं माइनस COO, ये CO2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये CO2 गैस निकल जाएगी और साथ में ही बन जाएगा R CH NH2, यहां माइनस चार्ज आ गया,
और बच्चों और जो वाटर यहाँ निकला था ये वाटर, यही वाटर यहाँ यूज होगा, एच ओ एच, इसका एच यहाँ लग जाएगा और ओ एच यहाँ निकल जाएगा, इट विल बी आर सी एच एन एच टू और यहाँ पे सी एच टू आ गया। ये इसकी मैकेनिज्म है, नोट करें। इसकी मैकेनिज्म है, प्रॉपरली नोट कर ले बच्चों। और साथ में CO2 और बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर के बेरियम कार्बोनेट बना देंगे, क्योंकि CO2 एक एसिडिक गैस है जो बेस बेस के संग रिएक्शन करके सॉल्ट के फॉर्म में चली जाएगी। देखो बच्चों ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक NOIC, ये है ना। इसका अल्फा कार्बन ये रहा, इसका अल्फा कार्बन यहां ये रहा। अगर वहां अमीनो ग्रुप लगा दें तो एसिटिक एसिड से जो बनेगा वो बनेगा ऐसा कुछ CH3COOH, और प्रोपेनिक एसिड से बनेगा ये CH3CH2COOH। देखो बच्चों यहां पे NH2 लगा दो, यहां पे NH2 लगा दो, ये एसिटिक एसिड का अल्फा अमीनो एसिड है, ये प्रोपेनिक एसिड का अल्फा अमीनो एसिड है। ऊपर वाले को नाम देते हैं ग्लाइसिन, इसका नाम है STS, इससे बनता है एसिटिक एसिड, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, और इससे जो बनता है इसको एलानिन बोलते हैं, ALANINE, एलानिन। इसका शॉर्ट फॉर्म GLY है, इसका शॉर्ट फॉर्म ALA है एलानिन का। ये दोनों अल्फा अमीनो एसिड है बच्चों, एसिटिक एसिड से बनने वाले अल्फा अमीनो एसिड को ग्लाइसिन बोलते हैं, और प्रोपेनिक एसिड से उसका जस्ट होमोलॉग है, प्रोपेनिक एसिड एसिटिक एसिड का नेक्स्ट होमोलॉग है, उससे बनने वाले को बोलते हैं एलानिन। दोनों अल्फा अमीनो एसिड हैं, और दोनों को हीट कर दो, मतलब अगर इसको हीट कर दो बेरियम हाइड्रोक्साइड के संग, वही रिएक्शन होगी जो ऊपर लिखी हुई है। ये तो मैंने बताया इससे बनेगा सी, इसको हीट करोगे तो CO2 यहां से निकाल देना, इसको हीट करोगे CO2 यहां से निकाल देना, यहाँ मिथाइल अमीन बनेगा, यहाँ इथाइल अमीन बनेगा। देखो यहाँ बनेगा ये सीधा जुड़ेगा मिथाइल अमीन, यहाँ का प्रोडक्ट होगा मिथाइल अमीन, इसका प्रोडक्ट होगा क्या इथाइल अमीन, CH3CH2NH2। यहाँ पे आपको मैंने बताया जस्ट नाम के लिए कि एसिटिक एसिड का जो अल्बिनो एसिड है ग्लाइसिन, और प्रोपेनोइक एसिड का जो है एलानिन बोलते हैं, ग्लाइसिन एलानिन नाम की वजह से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लाइसिन किसको बोलते हैं, आगे एक बायोमोलिक्यूल का है और इसमें चैप्टर, उसमें ग्लाइसिन एलानिन का हम नाम या इनके काम के बारे में भी बात कर सकते हैं। सर बोलिए। सर मेंस या फिर एडवांस के लिए प्यूरिफिकेशन वाला जो है पार्ट जीओसी वो भी पढ़ना है क्या? प्यूरिफिकेशन क्या मतलब सर? एनसीईआरटी में जीओसी में दिया हुआ है, बट मेंस के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा प्यूरिफिकेशन क्या होता है, ठीक है? कैसे क्रोमेटोग्राफी या किस तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, हालांकि डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन आगे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल में, बट फिर भी तो जो प्रोसेस होता है डायग्राम बना के लिखना होता है वो एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे अभी, अगले फिजिकल में है ये चीजें। सॉल्यूशन चैप्टर उसमें डिस्टिलेशन है और क्रिस्टलाइजेशन है, ये दोनों चैप्टर वहां पे है, क्रोमेटोग्राफी नहीं है तो क्रोमेटोग्राफी पर पढ़ लीजिएगा। ये टोटल प्रोसेस है, कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, अगर समय मिला तो हम डिस्कस कर देंगे, अदरवाइज इनको रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, 11th के चैप्टर है शायद दोनों। हाँ जी फोटो ले लेते हैं, एक बार फोटो शायद ले लिया ना अभी, तो भूल गया आपने बात किया, भूल गए फोटो लिया कि हाँ लिया फोटो लिया।
चलिए बच्चों एक ऐसी एक छोटी रिएक्शन है, इसको रिएक्शन बोलें या क्वेश्चन बोलें ज्यादा बेटर होगा? मैं इसको लिखूंगा और आप सीधे आंसर बताना, ठीक है? मैं क्योंकि आप मुझे लगता है बिना मेरे सॉल्व बताइए आप कर लो, क्वेश्चन टाइप में लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा था। जीएमटी 7 GMP 7 देखो ना, अगर मैं ऐसे बोलूं कि NH2Cl और ये RMGX, आप जानते हैं यहां माइनस चार्ज यहां प्लस चार्ज रिएक्शन है तो क्या बनेगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं ये लीविंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं क्लोरोएमीन, क्लोरोएमीन बोलते हैं क्लोरोअमाइन, ये न्यूक्लियोफाइल है, R माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, ये लीविंग ग्रुप मुझे लगता है ये लीव करेगा, ये अटैक करेगा, सोचो प्रोडक्ट अपने आप देखेगा प्राइमरी मीन बाय रिएक्शन ऑफ गिरनार्डजन विद क्लोरोमीन, बाय रिएक्शन ऑफ गिरनार्ड रिएजेंट विद क्लोरोमीन क्लोरोअमाइन क्या होगा ये अपने आप सोच पाओगे, इस पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे इसको जब क्वेश्चन देते तो भी कर लेते आप, मुझे लगता है सीधे Cl निकलेगा R माइनस अटैक कर बनेगा RNH2 बनेगा, RNH2 बनेगा और साथ में MgX निकलेगा और यह Cl माइनस इसी के संग, ये Cl इसी के संग निकल यहाँ जुड़ जाएगा बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोमीन विद गिरनार्ड रिएजेंट। बच्चों आइसोसाइनाइड की जो हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक, ये इसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होती है और आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में होती है, ये हमने की हुई है, जो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन थी उसके बीच में हमने आइसोसाइनाइड की रिएक्शन की हुई है। खैर चलिए बात करते हैं इस पर, सबसे पहले देखो R(C"(NN) इसको सॉरी ये साइनाइड है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो इधर अमोनिया बनेगा और एसिड बनेगा, यहाँ अमीन नहीं बनेगा, इसको हाइड्रोलाइज करोगे इधर से अमोनिया बनेगा इधर से एसिड बनेगा साइनाइड से, तो साइनाइड नहीं लेना आइसोसाइनाइड लेना, क्या हो गया RN कोऑर्डिनेट बॉन्ड C आइसोसाइनाइड है और इसको ऐसे लिख दो RNC और यहाँ डबल बॉन्ड O, इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ दो तो आइसोसाइनेट, बल्कि यहाँ पे अगर सल्फर जो ऑक्सीजन जो सल्फर आ जाए तो बोलेंगे हायो आइसोसाइनेट, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड यहाँ सल्फर आ जाए हायो आइसोसाइनेट बनेगा, हायो आइसोसाइनेट की स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल होती है, ब्रैकेट में लिखिएगा मस्टर्ड ऑयल स्मेल, मस्टर्ड ऑयल स्मेल है इसकी। सर बोलिए सर, वो क्लोरोअमीन वाला रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, NCH निकल जाएगा RH, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता था, ठीक है ना, वो तो फास्ट होता है, मतलब देख लो माइनस चार्ज आएगा इसके लोन पे, इसके लोन पे रिपल्शन होगा, ऐसा कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही है, ठीक है ना, इसलिए मैं एसिडिक एसिड नहीं बोलेंगे,
एसिडिक एसिड होता है उसके निकलने में स्टेबलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबलाइज नहीं होगा, आपको इसका लोन पे इसके बैकेंड ऑर्बिटल में जाएगा बिल्कुल, लेकिन इसके लोन पे इसके लोन पे रिपल्शन होगा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा, ये उतना स्टेबल उतना एसिडिक नहीं है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन बजाय क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देगा पहले, इसीलिए मैंने रिएक्शन लिखा है। इसमें आप लोग अगर जनरल क्वेश्चन आता तो यही कर जाते ना कि इसका एच यहाँ जोड़ते आर एच बना देते, इसलिए मैंने लिखा कि नहीं यहाँ ये क्लोरोमीन अलग तरीके से रिएक्ट करता है, एक क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे सीएल माइनस बनेगा, माइनस चार्ज यहाँ आना चाहेगा यहाँ माइनस चार्ज नहीं आना चाहेगा यहाँ प्लस चार्ज आना चाहेगा। नाइट्रोजन और क्लोरीन में अगर देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ज्यादा है, क्लोरीन का साइज भले ही बड़ा हो लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है रिलेटिवली, क्लोरीन का साइज बड़ा होने के बावजूद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा सीएल माइनस, सीएल सीएल माइनस के लीविंग करेगा यहाँ प्लस चार्ज प्लस पे आर माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो एसिड बेस के बजाय इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देगा। चलिए हमने आपको क्या बताया, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनेट और थायो आइसोसाइनेट, यहाँ ओ की जगह एस आ गया थायो आइसोसाइनेट, एक रिएक्शन हम देखेंगे उस रिएक्शन नाम होगा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इसी चैप्टर में होगी, उस रिएक्शन में होगा क्या ये बनता है क्यों और इसकी इसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसे उसका नाम ही रख दिया गया हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, कि थायो आइसोसाइनेट की स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल इसमें जरूर लिखेगा मस्टर्ड ऑयल स्मेल, इन्फॉर्मेशन अभी दे रहे हैं खाली, देखो जरा क्या होगा R C ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी आइसोसाइनेट R N ये और R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बच्चों याद करिए अगर आप अभी चाहें अभी मैकेनिज्म रेफर करिए किसका, तो पहले ऊपर वाला तो बता देते हैं, ऊपर तो शॉर्टकट में बताएंगे, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में होगी, जैसे KOH ले लो KOH के संग, और हाफ यहाँ ये आप देख सकते हो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये बनता था आइसोसाइनेट और फिर केओएच से कैसे रिएक्ट कर सकती, कैसे हाइड्रोलाइज होता है, इसकी आगे की मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म हमने लिखाई हुई है डिटेल में, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें शुरू में क्या होता है पहले कार्बन पहले नाइट्रीन बनता है, नाइट्रीन से ये बनता है, और इसकी रिएक्शन पानी से कैसे होती पूरा वहाँ लिखाया हुआ है उसका, उसकी मैकेनिज्म का आखिरी वाला पार्ट देखो अपने आप इसकी आगे की रिएक्शन मिल जाएगी, तो केओएच से कैसे रिएक्शन होता है वो मैकेनिज्म वहाँ देखेंगे, यहाँ मैं सीधे प्रोडक्ट लिख दूंगा कि सर यहाँ जो होगा ना ऐसे टूटेगा, यहां से बनेगा RnH2, यहां बनेगा K2CO3। मैकेनिज्म के लिए रेफर करें हाफ मैन ब्रोमाइड का सेकंड पार्ट, उसी रिएक्शन का सेकंड मैकेनिज्म का लास्ट पार्ट, ठीक है, यहां देखिए इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा HOH इधर HOH इधर ऐसे टूटेगा, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा RnH2 और कार्बोनिक एसिड, पानी से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड हो जाएगा H2CO3, तो दोनों में प्राइमरी मीन बनता है, बट यहाँ एसिडिक मीडियम है यहाँ बेसिक मीडियम, एक काम करो यहाँ से यहाँ जाने की मैकेनिज्म एक बार रिफर करो अपना, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन खोलो उसकी मैकेनिज्म देखो, उसकी मैकेनिज्म में के शुरू में तो रिएक्शन होती नाइट्रीन, नाइट्रीन जैसे ही बनता है उसके इसकी रिएक्शन में केओएच के संग कैसे कराई वो देखो, ये बनता कि नहीं बनता आप रिफर कर पा रहे हो वहाँ पे जो मैंने लिखा नीचे लिखी मैकेनिज्म एक बार रिफर कर लो कहाँ से हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन के सेकंड पार्ट से, जल्दी करो रिफर बच्चों, यस सर देख लिए, एक बार रिफर कर लो, दो मिनट ले लो, दो मिनट आराम से कर लो भाई, जल्दबाजी नहीं है, मैं फोटो खींच लूंगा तब तक आप लिख लोगे बहुत समय मिल जाएगा, शुरू पहला फोटो आज नहीं ले पाया आज की क्लास का भूल गए, दो रिएक्शन पे हमारा टारगेट है, दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं, पहली मैं समझाऊंगा दूसरी आप समझ जाएंगे, तो जीएमपी 8 है 8 है 9 है जीएमपी 9 है
लिखिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिख लो, स्टार लगा दो, स्मिडिट रिएक्शन, SCHMIDT, स्मिडिट रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एसिड की रिएक्शन एसिड से एसिड के प्रेजेंस में होती है, मतलब तीनों तीन एसिड है, एसिड की रिएक्शन एसिड से एसिड के प्रेजेंस में, और बनता क्या है, अरे अमीन का GMP अमीन बनता होगा, प्राइमरी में बनता है। तो एसिड की रिएक्शन एसिड से एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, किसमें हो रही है, इसमें हो रही है। क्या है ये, अरे ये है हमारा स्मिडिट रिएक्शन। क्या होता है, एसिड की रिएक्शन एसिड से एसिड के प्रेजेंस में, तीन तीन एसिड, ठीक है। तो इसमें एसिड की रिएक्शन किससे, एसिड से और एसिड की प्रेजेंस में, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसकी रिएक्शन RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, हाइड्रेजोइक एसिड N3H, N3H हाइड्रेजोइक एसिड होता, हाइड्रेजोइक एसिड और किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड की रिएक्शन एसिड से एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, और बनता क्या है, बनता वही है बच्चों, प्राइमरी मीन तो बनता ही है, CH3 लगाते नाइट्रोजन प्लस वाटर, है ना, क्या बेटा, आर हटा के यहाँ पे, yes. अरे यहाँ कोई भी आर हो, क्या फर्क पड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से लिखा ना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ही नहीं कि एसिटिक एसिड हो, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं कार्बोलिक नहीं, कार्बोक्सिलिक, यस सर, मेरे को लगा बस कार्बोक्सिलिक होगा, नो करेक्टेड, इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड की रिएक्शन एसिड से एसिड की प्रेजेंस में, और प्राइमरी मीन बनता है नाइट्रोजन और पानी, प्रायमरी मीन नाइट्रोजन और पानी, साथ में CO2 भी निकलेगा, CO2 गैस भी है, पानी तो निकल, पानी मतलब CO2 लिख लो, CO2 गैस, पानी अंडरस्टूड निकलेगा, जब तक आप अर्थ में हैं, पानी लिखने की जरूरत नहीं है, बिना पानी के अर्थ नहीं, देखिए मैकेनिज्म कैसी है, मैकेनिज्म समझिए बच्चे, मैकेनिज्म जो होती है ना इसकी, नाइट्रीन मैकेनिज्म है, नाइट्रीन मैकेनिज्म, नाइट्रीन बनता है, जैसा कि उसमें था ना हाफ मून ब्रोमाइड रिएक्शन में, वहां भी नाइट्रीन बनता था, नाइट्रीन से आइसोसाइनेट बनता था, उसी के थ्रू यहां भी रिएक्शन होती है, यहां भी नाइट्रीन मैकेनिज्म होती है, इंपॉर्टेंट है नाइट्रीन कैसे, देखिए जरा, अच्छा ठीक है, मैकेनिज्म से शुरू करें, एक चीज और बता दें कि हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजोइक एसिड देखो ना, ये नाइट्रीन मैकेनिज्म है पहला, दूसरा हाइड्रोजोइक एसिड, ये होता है H N डबल बॉन्ड N, ये, और फिर यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है, देख लीजिए HNNN, इसको ऐसे ही बनाते कई बार हम लोग, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ना, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसा हो जाता है HN डबल बॉन्ड N, और जहां एरो का हेड है वहां माइनस साइन, जहां एरो की टेल है वहां प्लस साइन, और बच्चों देखो ना, ध्यान देना जरा, अब यहां होगा रेजोनेंस, कैसे, ए डबल बॉन्ड बी, अगले एटम में नेगेटिव चार्ज है, A डबल बॉन्ड B और नेक्स्ट एटम में नेगेटिव चार्ज है, तो कंजुगेशन है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करेगा, क्यों, पॉजिटिव चार्ज जिस जहां डबल बॉन्ड है वहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो जहां डबल बॉन्ड होता है वहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं करेगा, सेम इज हियर,
या डबल बॉन्ड वही पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा किसके संग, इसके संग, ये वाला पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड के साथ ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, ये देखिए। और एक बार रेजोनेंस करा दे, देखिए रेजोनेंस को तरह एक और स्ट्रक्चर बन के हमारे सामने आया, कैसे आएगा देखिए, जरा ध्यान दीजिए, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, बीच वाले पे यहाँ जो चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एक स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बना सकते हैं हाइड्रोजोइक एसिड का, एच एन एन डबल बॉन्ड एन, और एक तीसरा बॉन्ड और बन गया यहाँ पे ऐसे, यहाँ आ गया माइनस चार्ज ये, और बीच वाले प्लस चार्ज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस चार्ज पहले था, प्लस चार्ज अभी भी है, देखिए ऐसे, ये हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजोइक एसिड का इनिशियल ये है, फिर बीच में ये रेजोनेंस को द्वारा बनाएगी, सारे स्ट्रक्चर उसी के हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, और यहाँ क्या देख रहे हैं आप, हाइड्रोजोइक एसिड में जो बीच वाला नाइट्रोजन है उस पर प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज ना तो इधर रेजोनेंस करेगा ना इधर करेगा, ये बिल्कुल बिना रेजोनेंस करेगा, लेकिन हाँ इस पर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर समझिए, तो हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे सर, हाइड्रोजोइक एसिड। और एक चीज आप देख लो बच्चों, हमको अच्छे से पता है नाइट्रोजन एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होता है, और हाइड्रोजोइक एसिड में अगर ये नाइट्रोजन अपने को न्यूट्रलाइज करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे ही ये निकलना चाहिए, इस तरीके से ये लिविंग ग्रुप है, तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन करके निकलेगा, बहुत एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप निकलेगा, और जब ये जब भी निकलेगा ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप करके निकलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे नाइट्रीन बन जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा ना, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, माइनस और प्लस से न्यूट्रलाइज होकर नाइट्रोजन गैस निकल गई, यहाँ जो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ कार्बन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं, नाइट्रीन बन जाएगा, जो भी आपको बताने जा रहे हैं उस मैकेनिज्म में ऐसा ही कुछ यूज होगा। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है एक बार देख लीजिए, हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में कौन सा चार्ज जाएगा वो देखिए जरा सर, वहां पे एक प्लस माइनस कर दिए तो एक ही बॉन्ड रहेगा ना, नहीं नहीं, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो जहां एरो का हेड होता है, हेड साइड में माइनस चार्ज, जहां एरो का इसको सिंगल बॉन्ड जैसा ट्रीट किया, हेड जहां हेड था वहां माइनस, जहां टेल थी वहां प्लस बना दिया, ये ना किया, मतलब सर दो बॉन्ड था, अभी भी दो है एक, नहीं नहीं नहीं, पहले कोऑर्डिनेट था, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, अभी ये सिंगल बॉन्ड बना दिया सर। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था ना 11th में, केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी सिंगल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन द डोनर। सर अभी 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई हो रहा है क्या? अभी स्टार्ट होगा, जे बैच में, यहां जे बैच 11th का उसमें स्टार्ट होगा इसके बाद सर, सेकंड पीरियड मेंबर के लिए स्टार्ट होगा, तो रिकॉर्डिंग मतलब डालते रहिएगा YouTube पे। ठीक है सर, ठीक है, हां बोलिए, क्या बोले वे? एक वाला कुछ बोल रहा था सर, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था सेकंड पीरियड मेंबर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ, तो ये नहीं सेकंड पीरियड मेंबर का, ये नाइट्रोजन सेकंड पीरियड मेंबर है, डोनर यहां नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में, इसको सिंगल बॉन्ड जैसा बनाया, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर ये डोनर एटम थर्ड पीरियड मेंबर होता तो उसको डबल बॉन्ड बनाते, मतलब यहां एक तो था, एक डबल बॉन्ड और बनाते, फिलहाल डोनर एटम सेकंड पीरियड मेंबर है इसको सिंगल बॉन्ड जैसा ट्रीट करना है, डोनर एटम सेकंड पीरियड मेंबर है इसलिए सिंगल बॉन्ड जैसा ट्रीट करना है। ठीक है बच्चों, चलें मैं इसका फोटो लूं फिर मैकेनिज्म बताऊं हुआ कैसे ये। अब इसकी मैकेनिज्म बताते हैं, इसकी रिएक्शन पहले ये कैटलिस्ट जो है ये यहाँ स्कोर प्रोटीन, देखिए होगा क्या, मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, पहले ये जो है ना H+ साइन स्कोर प्रोटीनेट करेगा, ये पानी वही यहाँ पे ऑक्सोनियमाइन बनेगा, फिर वाटर निकले यहाँ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन जाके इस माइनस पे अटैक करेगा यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए लिखने से पहले बता रहा हूँ, H+ साइन स्कोर प्रोटीनेट करेगा, ऑक्सोनियमाइन वाटर अटैक प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज जाके इस नाइट्रोजन के माइनस पे अटैक करेगा, तो पूरी मैकेनिज्म वहीं इसी के आसपास घूमती रहेगी। आइए देखते हैं जो बताया है उसमें वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नोट नंबर 1 मैकेनिज्म, नोट नंबर 1 मैकेनिज्म, एसिड की रिएक्शन एसिड से एसिड के प्रेजेंस में, सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया बच्चों, ये जो H2SO4 है H+ साइन और HSO4 में टूटेगा, इसका H+ साइन जिसको जाके प्रोटीनेट कर देगा, R
RCOOH. ये देख यहां से वाटर हटेगा, H2O करके हटा दीजिएगा, ये बन जाएगा RCO, RCO प्लस, RCO प्लस इस पे अटैक करेगा इसके संग. कौन है ये? HN, HN, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये यहां प्लस चार्ज, यहां माइनस चार्ज. बच्चों ये प्लस वाला जाके इस माइनस से जुड़ जाएगा ये, और जो बनाएगा कुछ ऐसा होगा. देखिए R CO NH N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां प्लस चार्ज. ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया. सर आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच है. बाद में बच्चों ये जो H प्लस आइन, ये जो यहाँ ये जो सॉरी इसने H प्लस आइन जुड़ा था, ये HSO4 अपने H प्लस आइन को वापस ले लेगा. HSO4 माइनस आइन आएगा, इस H प्लस आइन को निकाल लेगा, खुद H2SO4 बन के निकल जाएगा और ये बना देगा R CO N N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे प्लस है और H प्लस निकल गया तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया होगा N माइनस. और देखिएगा बच्चों जरा, N माइनस चार्ज आ गया होगा, H प्लस गया है, ये नाइट्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से अब लीव करेगा ये. ये हम स्टेप वन में लिख देते हैं, स्टेप टू उसके आगे शुरू करते हैं. स्टेप वन में ये बना लिया यहाँ तक, है ना, यहाँ पे अपने लोन पेयर थे ही और वो निगेटिव चार्ज छोड़ के यहाँ लोन पेयर ऐसे आ गए, ये स्टेप वन मान लो. सेकेंड स्टेप देखो जरा क्या है, ये जो R इसी को दोबारा कॉपी कर रहे हैं, एन माइनस चार्ज है, N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर देगा यहाँ से. ये नाइट्रोजन करके लीव करेगा, यहाँ पे नाइट्रीन बन जाएगा, नाइट्रीन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, R CO N, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, प्लस प्लस न्यूट्रलाइज कर देगा, यहाँ पे नाइट्रोजन निकल गया, ये अल्टीमेटली न्यूट्रल बन गया, नाइट्रीन बन गया, नाइट्रीन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट. देखिए नाइट्रीन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन गैस तो निकली गई, ये नाइट्रोजन निकल रहा है यहाँ से. और बच्चों ये जो है ना, ये नाइट्रीन ऑक्टेट पूरा नहीं है तो अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हॉफमैन ब्रोमाइड में हुआ था, कि आर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, एट द सेम टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज. देख लीजिए दोनों का मिक्स साथ करिए, अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा, आर एन सी ओ. हॉफमैन ब्रोमाइड में भी यही बनता था, सी ओ एन, ये आर इसके संग अटैच हुआ जाके इधर आर, और अल्टीमेटली फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया ऐसा कुछ, ये अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया. Alkyl isocyanate, right? इस alkyl isocyanate पे देखो ये जो water यहाँ निकलता ना, ये जो water यहाँ निकला, यही water जाके ये water यहाँ पे use होगा, ये वाला water. H2O यहाँ पे आएगा,
कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर? CO बॉन्ड ज्यादा पोलर है, CO बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा, तो ये इस पे अटैक करेगा। ये O जो है ना, ऐसे अटैक होगा। तो C O माइनस डबल बॉन्ड N और R था, और यहां वाटर ने अटैक कर दिया इस O पे। ये वाटर यहां अटैक करेगा, यहां प्लस चार्ज आ गया। और बच्चों ध्यान रखना, ये निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, इसके एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेगा। देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा, उस रेजोनेंस में ये यहां से इधर जाएगा, ये इधर से इधर से ऐसे आएगा, दोनों एक साथ रहेंगे। सी ओ एन आर, यहां डबल बॉन्ड आ गया ये, और यहां पे ये एच है, ये देखिए यहां माइनस चार्ज आ चुका है रेजोनेंस के द्वारा यहां पे। अब मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे, ये और ये रेजोनेंस पे लगातार लगातार आपस में बदलते रहेंगे दोनों। यहां ओ पे नेगेटिव चार्ज, यहां एन पे नेगेटिव चार्ज, यहां ओ पे नेगेटिव चार्ज, यहां एन पे नेगेटिव, दोनों लगातार जैसे रेजोनेंस में दोनों आपस में बदलते रहेंगे, इंटर कन्वर्ट होंगे दोनों। अब आप खुद देख के बताइए, ये ओ पे माइनस चार्ज और एन पे माइनस चार्ज है ना, कहां नेगेटिव चार्ज, मतलब ओ पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, बट एन रिलेटिवली बात कर रहे हैं, ओ और एन, ये ओ तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है लेकिन ये एन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। या ऐसे बोले, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी के अलावा दूसरा तरीका सोचें, तो कहते हैं देखो ना, ये वाला एच प्लस आइन मूव करेगा, ये या तो एच प्लस आइन ये ओ के पास जाएगा या फिर ये एन के पास जाएगा, किसके पास जाना चाहिए, तो कहेंगे ये एसिडिक एच है, ये या तो इधर जाएगा, ये इसके पास मूव करेगा, या फिर ये यहां से लेकर के, या फिर यहां मूव करेगा, किसके पास मूव करना चाहिए, तो कहते हैं नाइट्रोजन मोर बेसिक है, ओ माइनस एन माइनस में नाइट्रोजन पे जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता, तो ये ज्यादा बेसिक एसिडिक एच को खींचेगा, ये मोर बेसिक है, ये वाला काम नहीं होगा, ये होगा, क्यों, मोर बेसिक, नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है तो ये काम होगा। और आप देखेंगे जब ये काम होगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये सी ओ एन आर, एक एच यहां से यहां चला गया, अब यहां लोन पेयर आ गया और ये ओ एच हो गया। देखिए बच्चों एक चीज और समझना है तो बड़ा आसान, बहुत आसान चीज है, आइसोसाइनाइड पे बेस कैसे अटैक करता है, हाफ मून बॉम्बार्ड में बता देंगे, आइसोसाइनाइड पे पानी कैसे अटैक करता है वो बता रहे हैं, पानी ने ऐसे अटैक किया तो दोनों रेजोनेंस में आ गए। अब ये ओ पे माइनस चार्ज या एन पे माइनस चार्ज, करें एन पे माइनस चार्ज ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इस एच को ज्यादा खींचेगा, मोर बेसिक ज्यादा इसको खींचेगा, ये बन गया। और अभी देखो ध्यान दो बच्चों, इसके अंदर ये इधर से सी ओ एच ग्रुप है और इधर से अमाइड ग्रुप है, अमाइड पे लोन पेयर बेसिक होते हैं, ये एच एसिडिक है, फिर से ये एच निकल जाएगा क्योंकि एसिडिक एच है, तो एसिडिक एच फिर से यहां से निकलेगा, देखिए ये वाला, ये एच फिर से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा यहां पे, एच प्लस साइन करके जाएगा यहां पे, प्लस और माइनस, तो ये फिर से एच प्लस करके यहां जाएगा, देखिए ऐसा बनाए कुछ सही से, सी ओ एन माइनस, यहां पे एन एक एच था, एक और चार आ जाएगा, एक एच और आ जाएगा, देखो एक एच और आएगा, जैसे ही ये एच इसके लोन पेयर से इंटरेक्ट करेगा, इसके लोन पेयर ऐसे चलेगा, ये देखिए एच यहां पे प्लस चार्ज, एच यहां पे प्लस चार्ज आ गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये, और अब ध्यान देंगे ये इंटरनल अटैक करेगा, ये ओ माइनस ऐसे अटैक करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से यहां चला जाएगा, ये CO2 अलग हो जाएगा वहां पे, प्राइमरी मीन अलग हो जाएगा, इसके बाद देखें क्या होने जा रहा है, ऐसा कुछ, CO2 अलग, प्राइमरी मीन अलग, ये ओ था, यहां बॉन्ड क्रिएट हुआ, यहां पे आर एन एच टू, आर एन एच टू ये बन गया, आर एन एच टू, ठीक है, आप देख सकते हो प्राइमरी में अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, पूरी मैकेनिज्म रेफर कर लो,
पहले पार्ट में हमने आइसोसाइनेट कुछ बनाया और दूसरे पार्ट में उसको रिएक्ट कराया। मैं फोटो खींच लेता हूँ, आप लोग उसको प्रॉपरली लिख लो, क्योंकि यही मैकेनिज्म अगली रिएक्शन में भी यूज होगी, ऑलमोस्ट यही मैकेनिज्म अगली रिएक्शन में यूज होगी। ये भी हमने रिएक्शन डिस्कस की, एस्मेटिक रिएक्शन, ठीक है। आप लोग नोट करो, आपको दो मिनट देता हूँ आराम से, मैं पानी पी के आता हूँ, प्रॉपरली नोट कर लो, गड़बड़ी हड़बड़ी कुछ नहीं है, छोटा चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन जैसा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कि समय लगेगा। मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग नोट करो उसको, ठीक है।
बच्चों आप सभी ने नोट कर लिया होगा ना अब तक तो? यस सर। एक मिनट एक मिनट, तो फोटो आवाज कहीं से आ रही भाई? आवाज नहीं आ रही, देखो बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही साफ बेटा, फिर से बोलो। माइक माइक पास आके बोलो, माइक के सर माइक में कुछ दिक्कत हो गई, आपकी आवाज नहीं क्लियर है। सर पूछ रहा है मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। हाँ मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आता, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है कि मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, पूछ रहा है कौन रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा नेगेटिव चार्ज करेगा, मैकेनिज्म बेस्ड ही कर सकता है ना। वो भी बोल सकता है कि यहाँ आने के बाद ये CO2 क्यों निकलता है, क्योंकि CO2 के स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, स्टेबल मॉलिक्यूल का बना रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करता है। तो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम मैं आपको सारी बता भी नहीं रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है जो डिस्कशन करनी है जिन पे क्वेश्चन बन सकता है वही बता रहा हूँ। चलिए GMP-10 ये स्मिडिट रिएक्शन का ही एक एक्सटेंशन है, इसको कर्टियस रिएक्शन बोलते हैं, कर्टियस रिएक्शन। देखिए बच्चों कर्टियस रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल GMP ये इसी रिएक्शन को एक्सटेंड किया गया है। इसी रिएक्शन को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है ना। कहते हैं बस जहां कार्बोक्सिल, इसमें क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था यहां पे ना, ये OH, यहां पे HN3 ने हाइड्रोजोइक एसिड था। तो अभी जो पढ़ा था हमने उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से होती थी। बच्चों यहां क्या है, यहाँ रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड जगह ले लेंगे इसका क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ये COCl। हाइड्रोजोइक एसिड जगह ले लेंगे इसका सोडियम सॉल्ट NaN3, एसिड क्लोराइड। और यहाँ पे ले लेंगे साथ में एसिड जगह पानी ले लेंगे, पानी इन बेंजीन, पानी और बेंजीन का मिक्सचर ले लेंगे। तो अब यहाँ क्या होगा, होगा वही बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है एसिड क्लोराइड। कर्टियस रिएक्शन में यहाँ सोडियम हाइड्रोजोएट, सोडियम हाइड्रेजोएट, और रिएक्शन होगी बच्चों प्रोडक्ट वही होगा जो थोड़ी देर पहले बताया, प्राइमरी एमीन प्लस CO2 और प्लस NaCl और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो निकलेगा ही प्लस NaCl। कैसे रिएक्शन होगी सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे। मैकेनिज्म देखिए क्या होगा, ऐसा कुछ RCOCl प्लस ये NaN3, ये रिएक्ट करेंगे, ये Na यहां से Na, यहां से Cl, NaCl बन जाएगा RCO(N3) प्लस NaCl। और उसके बाद ये कैसे रिएक्ट करेगा RCO(N3), ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये कैसे रिएक्ट करेगा, देखो ये पार्ट भी लिखा हुआ, पार्ट भी वही है जो पिछली रिएक्शन का था। देख लो इस रिएक्शन का पार्ट भी और पिछले रिएक्शन का पार्ट भी सेम, बस एक बार एसिड क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजोइड की रिएक्शन से क्या बनेगा, असाइल अजाइड। RCO(N3) को बोलते हैं असाइल अजाइड, एक असाइल ग्रुप है एक अजाइड ग्रुप है, N3- को अजाइड ग्रुप बोलते हैं। तो कर्टियस रिएक्शन पार्ट ए, कर्टियस रिएक्शन पार्ट बी हो गया।
आप चाहें तो पार्ट बी ना लिखें, पार्ट बी में मतलब लिख सकते हैं पार्ट बी सेम एज स्मिट रिएक्शन, बस समझ लो कि हाँ उसी टाइप जैसे मैंने लिख दिया ना, दोबारा नहीं लिखा। आप भी ऐसा कर सकते हैं, दोबारा ना लिखें, पार्ट बी लिखे और पार्ट बी सेम एज स्मिट रिएक्शन लिख के उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोबारा लिखने कोई फायदा थोड़ी है, वैसा ही है, समझाना था केवल। नोट है जो बताइएगा, आई होप कि वीडियो ठीक ठाक आ रहा है ना आपको, वीडियो ठीक दिख रहा है बच्चों? यस सर, एचडी बहुत अच्छा आ रहा है। यस सर, यस सर। देखो बोलते ही खराब हो गया, देखो ठीक तो है सर, सही आ रहा है। यस सर, ठीक आ रहा है, हाँ आ रहा, ठीक आ रहा, ठीक आ रहा, चलो सब इंटरनेट का कमाल है, इंटरनेट ठीक तो सब ठीक। चलिए जीएमपी 10 हो गया बच्चों, कर्टियस रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, यहां तक आते आते आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अभी यहां तक ये कर्टियस रिएक्शन और स्पिरिट रिएक्शन होगी, यहां तक आते आते अब आप लोगों को जो काम करना है, पहला करना है, दो चैप्टर आपको बनाने हैं अगली क्लास का वीडियो मैं आपको कल भेजूंगा, तब तक उससे पहले बनाना है, क्या बनाना है, उससे पहले आपको बनाना है पहला एक चैप्टर है एमएस चौहान का, बुक मेरे पास होती दूसरे रूम में रखी है तो दिखा देता, एक चैप्टर है वो कार्बिन एंड नाइट्रीन, और दूसरा है अमाइन। कार्बिन एंड नाइट्रीन आप बना लेंगे, अमाइन को थोड़ा होल्ड पे रखिएगा, वो कल बना लीजिएगा। कार्बिन नाइट्रीन पूरा चैप्टर बनाना है आपको, लेकिन उसके संग जितना ये जीएमपी पढ़ाई तो इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ लीजिएगा, और वो है आरटीआर और कार्बन रिएक्शन, उनको पढ़ने का बनाइएगा, अपने आप सब क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कार्बिन, उसमें वो सारे क्वेश्चन दिए हैं इसमें, या तो कार्बिन इंटरमीडिएट है या नाइट्रीन, कार्बिन इंटरमीडिएट हो सकता है नाइट्रीन, कार्बिन नाइट्रीन में कोई इंटरमीडिएट, सारे क्वेश्चन रखे हुए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50 के आसपास क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, और कर लोगे कार्बिन नाइट्रीन से जुड़े हुए। और कल जब हम क्लास भेजेंगे उस क्लास करने के बाद आप इसके नाइट्रीन के पूरे क्वेश्चन बना पाओगे, एक चैप्टर है अमाइन, अमाइन से पूरे क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, कार्बिन नाइट्रीन का चैप्टर है उसको बनाना पूरा, ठीक लिख लीजिएगा, कार्बिन नाइट्रीन पूरा बनाना है एमएस चौहान से, और बनाने से पहले आरटीआर और कार्बन रिएक्शन पढ़ लेना एक बार, दोनों क्लोरोफॉर्म में पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, यहाँ एसिड क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे क्या था, वहां एसिड था और वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, दो जीएमपी ऐसे छोटे मोटे लिख लो फटाफट, उनकी मैकेनिज्म नहीं है, खाली ऐसे शॉर्ट में बताएंगे आपको, जीएमपी 11 है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, देखो बच्चों अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजोइड से करो, ये RN3 बन जाएगा, अजाइड, अल्काइल अजाइड है, अल्काइल अजाइड, और याद करिए ये दूसरे पहले या दूसरे जीएमपी में बताया था, अल्काइल अजाइड को अगर रिड्यूस करो तो NaBH4 से रिड्यूस कर दो या LiLH4 से रिड्यूस कर दो, ये रिड्यूस होकर बना देगा RNH2 प्लस नाइट्रोजन, एक ही फालतू जीएमपी है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अजाइड से करो, सोडियम अजाइड,
और GMP12 मिथाइलेशन ऑफ टोलिडियमीन एंड डाइमिथाइलेशन ऑफ वनडीडियमीन. मिथाइलेशन और डाइमिथाइलेशन. देखो बच्चों क्या होता है, अगर हम एक सेकेंडरी इमीन ले लें RR, ये सेकेंडरी इमीन है, और एक प्राइमरी इमीन ले लें इनको हम रिएक्शन करा दें फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड के मिक्सचर से, फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मल्डिहाइड के मिक्सचर से. तो अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसकी मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे, बट होता क्या है, इसमें एक एसिडिक एसिड यहाँ मिथाइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ, और मिथाइल ग्रुप के आने को मिथाइलेशन बोलेंगे. और यहाँ प्राइमरी मीन में दो एसिडिक एच हैं, तो दोनों में यहाँ मिथाइल आएगा, एक मिथाइल यहाँ आएगा, इसको डाई मिथाइलेशन बोलेंगे. तो यहाँ बन जाएगा एक में मिथाइलेशन, टूरी अमीन का मिथाइलेशन है, टूरी अमीन में मिथाइलेशन हो रहा है और प्राइमरी अमीन में डाई मिथाइलेशन हो रहा है. टूरिडियमीन में एक मिथाइल ग्रुप आता है और प्राइमरी में दो मिथाइल ग्रुप आते हैं, कब, जब उनको ट्रीट किया जाता है मैं फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड के मिक्सचर से. ये दो GMP और बढ़ा लीजिए काम आएंगे. इसके हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे बच्चों. Let us start with, इसको लिख लीजिए. चलिए आगे लिखते बच्चों, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, प्रिपरेशंस हो गई, ठीक है ना. राइट ऑन प्रॉपर्टीज अमीन्स पे. पहले फिजिकल प्रॉपर्टी दो तीन लिखेंगे छोटाफट, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगे फिर से. केमिकल प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है. लिखें फिजिकल प्रॉपर्टी. पहला, हाँ जी, इसमें जो लोअर मेंबर होते हैं वो गैस होते हैं. लोअर मेंबर मतलब जो मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन,
ये या तो गैस होते हैं या लो बॉइल, क्योंकि हाइड्रोजन बर्निंग हो सकती है इसलिए लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं. तो लोअर मेंबर्स आर आइदर गैस और बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बर्निंग दे कैन बी लिक्विड ऑल्सो. और लिक्विड होंगे तो लो बॉइलिंग लिक्विड होंगे, आसानी से वोलेटाइल वेपराइज हो जाएंगे. तो लोअर मेंबर्स आर गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड. उनकी स्मेल कैसी होती है? लाइक अमोनिया, लाइक फिश. फिश का स्मेल आता वैसे ही स्मेल होता है. जितने अमोनिया अमीन्स हैं दे हैव फिशी स्मेल, फिश लाइक स्मेल. तो लिखे अमाइन से पहला पॉइंट लिखे, दे आर सॉरी लोअर मेंबर्स आर गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड. लोअर मेंबर्स आर गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड हैव स्मेल लाइक हैविंग फिशी स्मेल, फिशी फिश लाइक हैविंग फिशी स्मेल. फिर गैस और के बाद क्या बोले? लोअर मेंबर्स आर गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड. लो बॉइलिंग लिक्विड, लोअर मेंबर्स आर गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड, राइट? सो लोअर मेंबर्स आर गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड हैविंग फिशी स्मेल. फिशी मतलब फिश लाइक होता है, हैविंग फिशी स्मेल. व्हाइल हायर मेंबर्स आर सॉलिड इन नेचर. While higher members are solid in nature. Higher members are solid in nature. ठीक है ना? Next. दूसरा क्या है बच्चों? इनमें hydrogen bonding होती है. जैसे primary amine, जो भी amines होते ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पानी का रखोगे तो पानी में सॉल्युबल है. लेकिन जैसे से ये आर का साइज बढ़ेगा नहीं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी. तो लिखिए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर. But their solubility decreases with increase in molecular weight. But their solubility decreases with increase in molecular weight. ठीक है बच्चों? यही दो properties है means की. केमिकल प्रॉपर्टीज में आई चलते हैं सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी में दो ही हैं. एक तो ये या तो गैस होंगे और लिक्विड होंगे तो स्मेल होगी फिश जैसी. हायर मेंबर सॉलिड होते हैं, ये फिजिकल स्टेट होगी. दूसरी बात होगी पानी में घुलेंगे, लेकिन पानी में जो आर का साइज बढ़ेगा तो पानी में सॉलिडिटी घटेगी. अच्छा ये पानी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पानी में घुलते हैं और बिकॉज ऑफ दिस आर ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण उसमें घुसते हैं. Because of hydrogen bonding, ये पानी में घुलते हैं. Because of R group, ये organic solvent में घुलते हैं. तो पानी में घुले because of this, पर solubility घट रही है पानी में, molecular बढ़ने पर. लेकिन इसके कारण ये organic solvent में भी घुलते हैं. लिखे इसमें, लिखे amines are also soluble in organic solvent. Amines are also soluble in organic solvent. Amines are also soluble in organic solvent. सर सर वो जो हायर अल्केन सॉलिड होता है तो सर उसका मतलब क्लासिफिकेशन क्या है? मतलब कितना कार्बन के बाद अल्केन हायर हो जाएगा? जनरली 11 कार्बन के बाद. ओके सर.
हाँ जी चलिए सीधा आइए केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा रहता है कि पहली रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन विथ फ्रेश HNO2, फ्रेश HNO2, ध्यान रखो बच्चों फ्रेश HNO2 याद होगा ये हमने आपको BDC में बताया था, BDC कैसे रिएक्ट करता है, BDC कैसे बनता है, वहां पे आपको इसके बारे में बताया फ्रेश HNO2 के बारे में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज अभी शुरू ही किए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितना पॉइंट लिखाए थे? दो पॉइंट ज्यादा पॉइंट नहीं था फिजिकल बॉडी में।
हेलो बच्चों, बच्चों जो दो मिनट और लगेगा, मुझे दो मिनट और लगेगा। हेलो, हाँ बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, एक्चुअली फोन आ गया था, उसको मैं रिजॉल्व कर रहा था। आइए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? देखें रिएक्शन विद स्ट्रेच HNO2, ओके? अब रिएक्शन विद स्ट्रेच HNO2 में होता क्या है? होता कुछ ऐसे बच्चों कि HNO2 जो होता है, इसकी रिएक्शन में आपको बताई थी BDC बनाने में, लेकिन ये क्या करता है, ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। रिएक्शन वन है, आर रिएक्शन वन है, ये मान लो 1 डिग्री अमीन,
2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, ये तीनों से अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। फ्रेश HNO2 ठीक है, फ्रेश HNO2 जो है वन डिग्री अमीन आपको बताया था अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा। टू डिग्री अमीन में जो है आपको येलो ऑयली लिक्विड मिलेगा, येलो ऑयली लिक्विड जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगा, येलो ऑयली लिक्विड जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगा ठीक है। येलो ऑयली लिक्विड जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगा राइट। और तीसरी चीज जो है वो है टर्शियरी अमीन जो होगा ये एक वाटर सॉल्युबल, येलो ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। ये तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे बच्चों। प्राइमरी मीन फ्रेश HNO2 से अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी मीन अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और टर्शियरी मीन अलग तरीके से रिएक्ट करेगा ठीक है। हेलो हेलो बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बच्चों कुछ मेरे संग प्रॉब्लम आ रही है इसमें ठीक है, सही नहीं हो रही है। मैं इस क्लास को यहीं रुकूंगा ठीक है, और इस चीज को मैं आपको अगली वीडियो में देता हूँ। बता भाई ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई हुई है। पहली रिएक्शन देखिए, प्राइमरी इमीन की रिएक्शन फ्रेश HNO2 पर अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की प्रिपरेशन थी। सेकेंडरी इमीन ये टर्शियरी इमीन आपको बतानी है। सेकेंडरी इमीन की रिएक्शन के नाम देते हैं एन नाइट्रोसोमीन, थोड़ा यहाँ कहकर छोड़ेंगे एन नाइट्रोसोमीन ये क्लास ओवर हो गया सर। नहीं बेटा अभी ओवर नहीं होगा, ओवर करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व नहीं हो रही है मेरी, है ना। मैं बार बार इसको रिसेट कर रहा हूँ, कंप्यूटर में हो नहीं रहा है ठीक है, कब कट जाएगा पता नहीं है। तो वन डिग्री अमीन अल्कोहल बनाएगा, टू डिग्री अमीन येलो ऑयली लिक्विड बनाएगा, इसको एन नाइट्रोसामीन बनते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा, इसको नाइट्राइट सॉल्ट बोलते हैं, नाइट्राइट सॉल्ट ठीक है, नाइट्राइट सॉल्ट। और इसको ना ये जो दो सेकेंडरी मीन के साथ रिएक्शन, इसको नाम देते हैं बच्चों लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ठीक है। तो करा चुके हैं? नहीं नहीं, वो फिनॉल के लिए था, वो फिनॉल के लिए सही, सेकेंडरी इमीन के लिए भी होता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ठीक है ना। इस पर हम लोग बात करेंगे लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट पे, फिर आगे देखेंगे ठीक है। सर एन के आगे क्या है? एन के आगे ये एन नाइट्रोसोमीन, एन नाइट्रोसो एन नाइट्रोसोमीन बनता है ठीक है, एन नाइट्रोसोमीन बनता है।
ठीक है। ठीक बच्चों, हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ठीक है? रिएक्शन भी बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अटेंडेंस बच्चे अटेंडेंस बना देना सभी लोग, ठीक है? यस, थैंक यू। ओटीपी बता दीजिए।